फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए वो लोग अब हिंसा का सहारा ले रहे हैं, तनाव फैला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। तेजस्वी यादव के ये दावा किए जाने पर कि 300 पार कर लिए हैं, इसके साथ ही वो केक काट रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी, इसको लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ा तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे जीतन राम मांझी, आप खुद सुनिए। हारने वाला कभी कहता है कब हार रहे हैं, वो कहता है कभी फीक पटक देंगे, वो एकदम उन लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए वो लोग अब हिंसा का सहारा ले रहे हैं, तनाव फैला रहे हैं। हेलीकॉप्टर छपरा में भी घटना घटी है, यादव और कह रहे हैं दूसरे को मिर्ची का लगा है किए थे तो हनीमून बनाए थे हेलीकॉप्टर में, छपरा में घटना घटी है सर, वो दुखद घटना है और इससे में खास कर चलाना चाह रहे हैं, जो शांतिपूर्ण यहाँ चल रहा था, लाइन ऑर्डर ठीक था, उसको बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है, जांच हो हम इसकी मांग करते हैं और जो बेचारे मरे हैं उन परिवार के प्रति हम से कर भेज। लालू जी की बेटी कह रही है कि बीजेपी के गुंडों ने ऐसा काम कराया है, अब वो कह रहे हैं कोई पंडित न है कहने से क्या होगा, करवाए हैं वो लोग और दूसरे लोग कह रहे हैं, लेकिन जाँच हो रही है, जाँच की बात आएगी तो कल चलेगा। तो सुना आपने किस तरीके से जीतन राम मांझी ने इस पर अपना बयान रखा और ये कहा है कि तेजस्वी यादव अगर जो हारता है वो कभी बोलता है कि मैं हार रहा हूँ, वो हमेशा यही बोलता है कि मैं जीत रहा हूँ, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने कहा कि वो लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इसी कारण से वो लोग हिंसा का सहारा ले रहे हैं, देश भर में तनाव फैला रहे हैं, उनको पता है कि उनकी हार निश्चित है, इस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी कर ले वो जीत नहीं पाएंगे। पिछली बार वो जिस तरीके से जीरो पर आउट हुए थे, इस तरीके से वो इस बार भी जीरो पर आउट होंगे, एक भी वोट उनके खाते में नहीं जाएगी और हमारी जीत सुनिश्चित है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5 चरणों में चुनाव हो चुका है और अब 2 चरणों में चुनाव होना बाकी है, इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयारियों में जुटी हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी के इस बयान पर विपक्ष क्या कुछ कहती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ।